भगवान श्री राम किस प्रकार से इस कलयुग का वर्णन कर रहे हैं सजनों, एक एक बात सुनने लायक होगी। राम सिया से कहने लगे, अरे राम सिया से कहने लग गए, रईस कल्लू काल की कहानी। बोलो सुनो सिया कलयुग में आके कैसे हो या तारी, राम सिया से वो खैर लाग गए सिया कलयुग में आके कैसे हो से कहने लग गए, कलू काल की कहानी सुनो सिया कलयुग में आके कैसे होंगे प्राणी। हे सीता जी, पहले नंबर तो ये बारह चीज दुनिया से चली जाएंगी, कौन सी? हृदया धर्म नित्य नियम छोड़ दे कलयुग में नर नारी, ये कि हवन कुल तारे भजन सब तज देंगे हर वारी, ये कि हवन कुल तारे भजन सब तज देंगे हर वारी। देखिए खुदगर जी मन मर्जी करके पाप कमावे भारी, रे माया के बस हो जाएगी कलयुग में जनता सारी, अरे माया के बस में हो जाएगी कलयुग में जनता सारी। गौ अतिथि सितरा ने भी रे मंगा मिले न पाई, में छोड़ दे कलयुग में नर नारी, और खुद कर जी मन मर्जी करके पाप कमाओ भारी, यज्ञ हवन पुनदान भजन ये सब तज देंगे अगर भारी, और माया के बस हो जाएगी कलयुग में जनता। गौ हमारे भारतवर्ष में गौ को मां से भी बड़ा दर्जा दिया गया था, आज गौ अच्छी थी आयु पात्रवान, गौ अतिथि पिंद्रा ने भी मांगिया मिले ना पानी, और सुनो सिया कलयुग में आगे कैसे होंगे। नंबर दो में हे सीता जी, तू सोचती होगी कि लोग मेहनत करके खाएंगे, कोई नहीं खाएगा। मेहनत की कमाई करके कोई नहीं खाएगा, चोरी चारी थकी से नर पेट भरा जावेगा, अरे चोरी चारी थकी से नर पेट भरा जावेगा, पात पात पे धर्म में पड़ता कोई ना शर्मावेगा, प्रेम भाव मतलब का हो जा कलयुग आवे, अरे प्रेम भाव मतलब का होगा भाई भाणके रिश्ते में भी, भाई भाणके रिश्ते में भी ऊंचा कच्चा तारी, सुनो सिया कलयुग में आके ऐसे होंगे तारी।
कमाई करके सियाजी कोई नहीं खाएगा। एक मेरा चुटकुलो याद आ गयो। एक बार कोई चा बनावणी हो और बढ़िया ठग लकड़ी सजा रखी, खोखो खोखा का गया तीन प्रकार की चा लिखा रखी, जाए कोई ताऊ जी मेरे को चले गए, जाके बोलो भाई साहब एक कोमड़ी चा की बनवा प्यावन है। बोलो ताऊ जी चा पीने की बात यह है कि मैं तीन प्रकार की चा बनाऊ, एक 5 रुपए की, एक 7 रुपए की, एक 10 रुपए की, कौन सी पियोगे बता। ताऊ जी बोले वही इनकी करामात तो बता क्या है। बोलो 5 रुपए वाली तो बिल्कुल सादी, 7 रुपए वाली में थोड़ी अदरक गेड़ दियो और 10 वाली में बोलो बम तुम लट्ठी काट दियो। ताऊ जी बोले मैं बिचारा करयो ले भाई 70 साल की तेरी उम्र होगी, 5-4 साल और जियोगे, ये लठ गाड़ तो देख लिया अन्ना रही सारी चा पी दी। बोलो भाई एक काम कर, 10 रुपए वाली आ जान दे, ढाबा लो 10 रुपया के चक्कर में कई देर घोटा गए और घोट के सारी चीज गेर के और कोपड़ी में गाल के ताऊ जी ने पकड़ा दी और मिठो गेर गए। ताऊ जी ने गुड़ भरी, बोलो भाई आए उरा बोल के, बोले तेरे लठ ने तो ले काट रहे, हम 2 दाना चीनी का गेट दे मेरा रहेगा, राजा कैसे हो जाएंगे और ये प्रजा कैसी होगी। अरे रिश्मरी वाज टूट जा सारे नीचो का राजी रहेगा, टूट जा सारे नीचो का राजी रहेगा, रह राजा हो रही परिचा में झगड़ा पे अंदाजी रहेगा, पर चले जमाना नर धोखे बाजी रहेगा, इस वीर मर्द का भी चले मुकदमा बिगड़ा था माजी रहेगा, इस वीर मर्द का चले मुकदमा बिगड़ा था माजी रहेगा। यारी रिश्ते तारी में, यारी रिश्ते तारी में मतलब की रहे पहचानी, जो हमारे बुजुर्गों ने जो बनाए थे वो सारे रिश्म रिवाज टूट चुके हैं। रिश्म रिवाज टूट जाए सारे नीचों का राज रहेगा, बिल्कुल नीच आदमी होगा उसका राज रहेगा और राजा और प्रजा में झगड़ा बेअंदाज रहेगा। आज देख लो सुन लो, कोई बिजली खातर लड़ रहे हो, कोई आरक्षण खातर लड़ रहे हो, कोई नौकरी खातर लड़ रहे हो, कई कई छोरा तो भी मेरे बेर कर बाकर बाबू ठंडी बोला माल छोरा ने किने किने चप्पू ने जब वो एक लगाउने बोलो बोल भाई जी 11,000 की लाइन में कै भलाई पीछे दे और किने चिप है क्यों। अपने भारत देश में यह गाया का जवान होया करता कि वो चलता तो धरती हल्या करती, आजकल जवान चल ने तो पत्तो ही कुनिया ले एकला ही हाल हो रे।
ऋषम रिवाज टूट जा, सारे नीचों का राज रहेगा, राजा और प्रजा में झगड़ा बेअंदाज रहेगा, सबको रिश्वत ऊपर चला जमाना। अगर कत्ल करके भी आदमी रिश्वत लेके चले जाए तो वो भी रिहा हो, छोटी छोटी बात में रिश्वत लेने लग गया। एक बार कोई राखे की टाइम, हे सीता जी तू मन में विचार करती होगी कि उस दुनिया में लोग भजन कीर्तन सुनेंगे, उस दुनिया में कोई भजन कीर्तन सुनया करेंगे, कोई नहीं सुनेगा, क्या सुनेंगे लोग? देखो भजन कीर्तन उस दुनिया में कोई सुना नहीं जावेगा, कोई रंडी नीची पखंडी नाचे वो सबके मन भावेगा, कोई रंडी नीची पखंडी नाचे वो सबके मन भावेगा। इन वेदों की चर्चा करता कोई बिल्ला नर पावेगा, भयो और के ज्यादा जिक्र करूं ये हाथ हाथ में खावेगा, और के ज्यादा जिक्र करूं हाथ में हाथ खावेगा। कृष्ण सिंह कमर कलयुग में